हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हाउ टू मेक वोकैबुलरी स्ट्रांग। आप अपनी वोकैबुलरी को कैसे बेहतर कर सकते हैं और उसे कितना स्ट्रांग बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको जैसे पता है इस चैनल पर मैंने वर्ड पावर मेड इजी की समरी जो है वो पूरी कंप्लीट कर दी है सेशन 1 से लेकर सेशन 46 तक, और उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। उसी किताब का पार्ट 19 है जिसमें वो बताते हैं कि हाउ टू कीप बिल्डिंग योर वोकैबुलरी। तो हम आज के सेशन में उसी पार्ट को मद्देनजर रखते हुए उसमें कुछ अपने इनपुट्स ऐड करके आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप वोकैबुलरी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो पूरी सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें सेशन 1 से लेके 46 तक के सेशन कवर किए गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है वर्ड पावर मेड इजी की हमारी सीरीज चल रही थी, सो दिस बुक हैज बीन कवर्ड एंटायरली, और आज हम उसके पार्ट 19 के बारे में बात करने वाले हैं। सो द सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी अमन त्रिवेदी, यू कैन रीड अबाउट मी इन हियर। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का पॉइंट जैसा मैंने बताया वो क्या है, हाउ टू कीप बिल्डिंग योर वोकैबुलरी, कि आप अपनी वोकैबुलरी को कैसे बेहतर करते रह सकते हैं, किस तरीके से आप उसे और बेहतर बना सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वोकैबुलरी बिल्डिंग के हम अपने काम को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी प्लस पर आने वाले मेरे बैचेस के बारे में। 15 जून यानी मंडे से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है जो कि SSC CHSL 2019 को पॉइंट ऑफ को ध्यान में रखते हुए है। इसमें आपका CHSL का एंटायर सिलेबस कवर किया जाएगा अगस्त 2019 से पहले पहले, यानी एग्जाम से पहले पहले। आप सारे टीचर से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस कोर्सेज, और उसके बाद आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 5400 रुपीज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे जो और कोर्सेज आ रहे हैं, कंप्लीट ग्रामर का बेसिक का बैच चल रहा है, एरर डिटेक्शन का बैच अभी कंप्लीट हुआ है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आज कंप्लीट हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बैच मंडे से शुरू हो रहा है, और idioms एंड phrases का बैच शुरू हो रहा है। इन सारे बैचेस में एनरोल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई भी आपका सवाल है तो आप इसे मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आप स्ट्रेटजी करें बनाएं अपने CHSL के एग्जाम के लिए। उसके पहले हम आपके वर्ड पावर मेडी जी की पूरी समरी कवर करते रहे हैं। जैसा मैंने कहा, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप वोकैबुलरी को बेहतर कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि सर आपने वोकैबुलरी बेहतर की कैसे और किस तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, चूंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, यानी कि मैं जो स्कूलिंग हुई है मेरी वो बिल्कुल हिंदी मीडियम से हुई थी, और मैं आपका यूपी बोर्ड से पढ़ा था तो हिंदी मीडियम स्कूल था, और उसके बाद मैंने अपनी वोकैबुलरी पर अपनी इंग्लिश पे काम किया, और उसके बाद ही आज के तारीख में मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा पाता हूँ और आपको एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करा पाता हूँ। तो उसके लिए जो मैंने मेहनत की और मैंने क्या कुछ किया है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और वीडियो आपका पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड तक मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, इन सारी बातों को भी मैं बताने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, साथ में बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए, तो बात करें जैसा मैंने बताया कि आप बनाएंगे कैसे, वोकैबुलरी को बिल्ड कैसे करें, इसका तरीका क्या होना चाहिए। तो आप जिसे अक्सर कहते हैं अगर वोकैबुलरी तैयार कैसे करें, तो आपने वीडियोस देखे होंगे कि हम कहते हैं कि शॉर्टकट्स, बहुत ही इस वीडियो को देख के आपको इतने वर्ड्स तैयार हो जाएंगे, या अक्सर आपको वीडियोस में थंबनेल में टाइटल लिखते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी, 10 दिन में वोकैबुलरी कैसे बेहतर बनाएं, या 15 दिन में वोकैबुलरी कैसे बनाएं, 1 घंटे में वोकैबुलरी कैसे बनाएं। दोज मेक्स नो सेंस, उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको वोकैबुलरी को सही करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं, कितना भी आप वोकैबुलरी, कितने भी वीडियोस देख लीजिए, कितनी भी चीज़ें याद कर लीजिए, दैट मेक्स नो सेंस। अगर आपको वोकैबुलरी बिल्ड करनी है, अगर आपको वोकैबुलरी सच में स्ट्रांग करनी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में भी बताया था आपको कि आप 2 टाइम्स सीधे सीधे तैयार कर लीजिए कि जब आप सुबह उठें तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए वोकैबुलरी याद करना,
और जब आप रात में सोने जाएं तो बिफोर बेड आपका यही काम होना चाहिए, जो सुबह वोकैबुलरी पढ़ी है उसी को रिवाइज करना। इतना काम अगर आप भी करने लगोगे तो भी आपकी वोकैबुलरी में काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा और काफी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी, ठीक है। सो अब अगर आप बोले कि कैसे हम कर सकते हैं, आपकी वोकैबुलरी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप उसे बेहतर बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम आगे बात करने वाले हैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे एंड मैं आपसे बताना क्या चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप वोकैबुलरी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि टू स्टॉप इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी इज टू स्टॉप योर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, यानी कि आप चाहे एग्जाम की तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं वो कोई मतलब नहीं होता उन सब चीजों से। अगर आप अपनी वोकैबुलरी को रिच करना स्टॉप कर देते हैं तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, यानी कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, इंटेलेक्ट जो आपका डेवलप होता है वो भी रुक जाता है। इसलिए अगर आप वोकैबुलरी बनाना अपनी स्ट्रांग करना छोड़ देंगे तो दैट उससे आपकी पर्सनैलिटी पर भी फर्क पड़ेगा। आप भले ही एग्जाम तो एक हमारी सेकेंडरी बात होगी, एग्जाम पे तो मैं बात कर ही रहा हूँ कि एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन एग्जाम के अलावा भी आपको वोकैबुलरी स्ट्रांग करने बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको क्या करना है उन सारी चीजों पे बात करें। तो सबसे पहली बात कि वोकैबुलरी को आपको स्टॉप करना नहीं है। वोकैबुलरी जैसे आपने मान लीजिए सेशन 1 to 46 आपने पढ़ लिया और आपने मेरी प्लेलिस्ट देख ली, तो उसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपकी बस हो गया, हम बस हो गया, स्ट्रांग वोकैबुलरी मेरी हो गई, अब इतना तो इनफ है। नहीं, अगर आप एक्चुअली में अपने आप में कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं, कुछ डेवलप करना चाहते हैं, तो हमेशा अपनी वोकैबुलरी को रिच करते रहिए। जितना ज़्यादा आप अपनी वोकैबुलरी को रिच करेंगे उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम के लिए रेडी होते जाएंगे। एग्ज़ाम को छोड़िए, आपकी पर्सनैलिटी बेहतर होती जाएगी, आप किसी से बात करने में बेहतर फील कर पाएंगे, आप चीज़ों को समझने में बेहतर फील करेंगे, आप कुछ भी पढ़ेंगे, कोई किताब पढ़नी होगी, कोई न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, उन सारी चीज़ों में भी आपकी वोकैबुलरी की हेल्प करेगी। जस्ट वेट अ मिनट। सो एज आई सेड कि अगर आपको वोकैबुलरी बिल्ड करनी है, अगर आपने पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस देखने, अपना इंटेलेक्ट डेवलप करना है, तो आप वोकैबुलरी को तैयार अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर आप वोकैबुलरी स्ट्रांग करना छोड़ देते हैं तो आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी रुक जाती है। सो योर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वोकैबुलरी, इसलिए हमें वोकैबुलरी बनाना, वोकैबुलरी बिल्ड करना, वोकैबुलरी बेहतर करना बिल्कुल भी नहीं रुकना है, ठीक है। सो अब देखिए, बात करें कि वोकैबुलरी स्ट्रांग करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो आपको 5 स्टेप्स में आपको बता रहा हूं, इन 5 स्टेप्स पे ऐसे आपकी वोकैबुलरी बेहतर हो सकती है, और क्या है वो 5 स्टेप्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है, कि क्या है वो 5 स्टेप्स, किन को फॉलो करके आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो सकती है। सो देखिए, स्टेप 1 आपका क्या है, स्टेप 1 ये है कि आपको एक्टिवली रिसेप्टिव होना पड़ेगा, यानी कि आप चीज़ों को रिसीव कर पाएं, आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा एक्टिवली टू योर वर्ड्स, यानी कि आप जो शब्द बोल रहे हैं उनको अच्छे से रिसीव कर पाएं, उन्हें अच्छे से आप अवेयर रहें कि आप क्या शब्द सुन रहे हैं, क्या शब्द बोल रहे हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर दैट आप क्या कर सकते हो, अ बुक इज़ अ गिफ्ट यू कैन रीड ओपन अगेन एंड अगेन, यानी कि कोई भी किताब है, जैसे नॉर्मन लुईस ही है, आपने सेशन 1 से 46 के सारे वीडियोस देख डाले या आपने किताब पढ़ डाली, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो गई, आप बहुत अच्छे हो गए वोकैबुलरी में, नहीं। अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छी पर्सनैलिटी बननी, अच्छा इंटेलेक्ट डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको एक किताब को बार बार पढ़ना होगा। आप नॉर्मल लुईस को भी अगेन पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ सकते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने एग्ज़ाम से पहले पहले नॉर्मल लुईस को कम से कम 3 से 4 टाइम्स पढ़ा था, ठीक है। और आप में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कितने लोगों ने किताब को 1 बार भी कंप्लीट नहीं किया है। मैं इस बार ये नहीं पूछ रहा हूँ कितने लोगों ने 1 बार भी पढ़ा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 1 बार भी कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। बताइएगा मुझे कमेंट्स में, ईमानदारी से बताइएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जाके एटलीस्ट वीडियोज़ देख लीजिए, आपकी काफ़ी वोकैबुलरी रिच हो जाएगी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको रिसेप्टिव होना है टू योर वर्ड्स, ठीक है। आप अपने शब्दों को अच्छे से रिसीव करिए, आप समझिए क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, इन सारी बातों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। सो गेटिंग माय पॉइंट कि आपको बहुत ही ज़्यादा
विलिंग होना पड़ेगा कि आप जो शब्द बोल रहे हैं या जो शब्द लिख रहे हैं उसको अच्छे से आप एक्सेप्ट कर पाएं. यू मस्ट बी विलिंग टू लिसन टू डू और एक्सेप्ट न्यू आइडियाज. यानी कि आप नए शब्दों को सीखने के लिए उत्सुक होने चाहिए, आपके अंदर ललक होनी चाहिए नए शब्दों को सीखने के लिए. क्योंकि हमें अगर सीखने की ही ललक नहीं है तो कोई फिर फर्क नहीं पड़ता ना. अगर हम सीखना ही नहीं चाहते तो आप चाहे कितने भी अखबार पढ़ लीजिए, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है. आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा, यानी कि यू विल हैव टू बी रेडी टू रिसीव न्यू वर्ड्स, न्यू आइडियाज, न्यू सजेशंस. ठीक है, समझ में आई बात. अगला हमारा स्टेप क्या होगा, स्टेप टू आपका होता है यू मस्ट रीड मोर. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है. पहला स्टेप, आप रिसेप्टिव बनिए, आप चीजों को रिसीव करना की आदत डालिए, एक्सेप्ट करने की आदत डालिए, नए शब्दों को सीखने की आदत डालिए. दूसरी बात, आप पढ़िए. अगर आप पढ़ने की आदत नहीं है, देखिए हम जिस एरा में आ चुके हैं वहां पर हमारी आदत हो चुकी है ज्यादातर चीजों को स्टेयर करने की, मतलब देखने की. जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये मोबाइल चला रहे हैं, आप लैपटॉप चला रहे हैं, तो इन सब में हमें क्या है, चीजों को सुनने और देखने की आदत है. लेकिन फैक्ट ये है कि इन सब से हमारी विजुअलाइजेशन स्किल जो है वो कमजोर होती है. हम उतना ज्यादा चीजों को सीखते नहीं है जितना हम किताबों से सीखते हैं. तो अगर आपने एक बेहतर वोकैबुलरी डेवलप करनी है तो ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, बड़े बड़े अक्षरों में अपने टेबल के आगे चिपका लीजिए कि रीड मोर, रीड मोर. एटलीस्ट आपके टेबल पर एक किताब होनी चाहिए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, इंग्लिश में कोई भी एक किताब आप अपने आसपास रखिए जिसको आप पढ़ने की आदत डालिए, कम से कम उसे पढ़िए जरूर. अगर आप रीड करने की आदत नहीं बनाएंगे तो आपकी वोकैबुलरी कभी स्ट्रांग नहीं होगी. क्योंकि जो आप किताबों से पढ़ रहे हैं, आप एमबी से रट रहे हैं, आप एसपी बख्शी से रट रहे हैं, आप नीतू सिंह से रट रहे हैं, उस सब से रट लोगे वो कैब, लेकिन उसको तुम एक्चुअली कभी सीख नहीं पाओगे. अगर तुम उन शब्दों को कॉम्प्रिहेंशन में देख लोगे तो तुम फिर भूल जाओगे कि इसका मीनिंग क्या था. क्लोजेस्ट में देखोगे मीनिंग भूल जाओगे. क्लोजेस्ट में देखोगे चार शब्द रखे हैं, चारों के मीनिंग तुम्हें पता है, तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सा शब्द फिल करें. ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं. इन सब चीजों को अगर आपको ओवरकम करना है, अगर आपने इन सारी चीजों पे विजय पानी है, इन सब चीजों को इससे बेहतर अगर आप ऊपर उठना है तो उसके लिए आप रीड करना शुरू करिए. क्योंकि जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतना ज्यादा आप शब्दों की सोल को जान पाएंगे कि क्या कह रहा है, कौन सा शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, कौन से शब्द का कोनोटेशन क्या है, कौन से शब्द का कोलोकियल मीनिंग क्या है. आप उन सारी चीजों को तभी समझेंगे जब आप रीड करेंगे. समझ में आ रही है बात. कोई भी टीचर आपको उतना नहीं बता सकता. कोई भी शब्द है, हर शब्द का एक अलग सेंस है. जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि बैनिश है तो बैनिश का इस्तेमाल होता है बैनिश फ्रॉम किंगडम. अगर किसी को राज्य से निकाल रहे हैं तो बैनिश फ्रॉम किंगडम आएगा. एक्साइल है तो मॉडर्न एरा में आजकल हम देश से किसी को निकाल देते हैं तो एक्साइल फ्रॉम कंट्री हो जाता है. अगर किसी को कम्युनिटी से निकाल रहे हैं तो ऑस्ट्रेसाइज फ्रॉम कम्युनिटी हो जाता है. तो ये जो चीजें हैं आपको ये तभी पता लगेंगी जब आप अक्सर पढ़ेंगे. क्योंकि जब आप रीड करेंगे तो आपको चीजों का सेंस समझ में आएगा, इसेंस समझ में आएगा कि वो उसका यूज किस सेंस में हम करते हैं. इसलिए ज्यादा से ज्यादा रीड करिए, बिकॉज रीडिंग मेक्स यू स्मार्टर. एंड देखिए रीड करने के कई सारे फायदे हैं. एक तो वोकैबुलरी बेहतर होगी, आप चीजों को, आपकी जो रीडिंग स्पैन है वो बेहतर डेवलप होगा, आपका अटेंशन स्पैन डेवलप होगा. क्योंकि जो हमारा इस तरीके का बिहेवियर हो रहा है अभी कि हम स्क्रॉल करने के आदि होते जा रहे हैं, हम फेसबुक देख रहे हैं स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ लोग टिकटॉक देखते होंगे तो स्क्रॉल कर रहे हैं, यानी कि वी कीप स्क्रॉलिंग थिंग्स. हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता जा रहा है, रिटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता जा रहा है. हम आप में से कितने ही लोग अब तक इस वीडियो को छोड़ने का मन बना चुके होंगे, बंद करने वाले होंगे इस वीडियो को, कुछ लोग छोड़ भी चुके होंगे, कुछ लोग इसको बंद करने वाले होंगे. तो ये जो प्रॉब्लम है ये है कि रिटेंशन स्पैन हमारा कम होता जा रहा है. हम लोग एक चीज को ज्यादा देर तक सुन या पढ़ नहीं सकते. क्यों? क्योंकि ये जो हमारे आसपास सोशल मीडिया और जिस तरीके का जमाना आ चुका है उसमें हम बहुत ज्यादा देर तक एक चीज को नहीं देख सकते. आप में से कितने ही लोगों ने, एक सीधी सी बात कहता हूँ, बहुत ही थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो जाती है, बट कितने ही लोगों ने आज की तारीख में आसमान को शांति से 2 मिनट के तक बैठ के देखा होगा, या किसी पेड़ को, किसी चिड़िया को, या किसी सनसेट को, आपके सनराइज को एक्चुअली में 2 मिनट तक, 4 मिनट तक, 5 मिनट तक शांति से बिना मोबाइल के इस्तेमाल के बैठ के देखा होगा. बहुत कम लोग ऐसा कर रहे हैं. क्योंकि हमारी जो आदत होती जा रही है वो ये है कि हम फटाफट बदल रहे हैं, हम चीज़ों को चेंज करने में लगे हुए हैं, धड़ 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 लगे हुए हम कि ये किताब ले आओ, हटा दो ये, हटा दो. मोबाइल में भी देखा कि फेसबुक से मन उब गया, तुरंत स्नैपचैट खोल दिया, स्नैपचैट से मन उबा इंस्टाग्राम खोल दिया. हम चीज़ों को रिटेन नहीं कर पा रहे. तो वो जारी सारी चीज़ें आपकी तभी डेवलप होंगी जब आप रीड करोगे.
तो रीड करने की आदत बनाइए, कम से कम दिन में एक घंटा पढ़ने की आदत डालिए, जो कि तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, किसी चीज से रिलेटेड नहीं है, बट आप उसे पढ़िए, ठीक है। उससे बहुत फायदे हैं आपके वोकैबुलरी, रीडिंग स्पैन, अटेंशन एबिलिटी, विजुअलाइजेशन स्किल, बहुत सारी चीजें आपकी डेवलप होती हैं। तो स्टेप टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द स्टेप थ्री, स्टेप थ्री कहता है कि यू मस्ट लर्न टू ऐड टू योर ओन वोकैबुलरी द न्यू वर्ड्स यू मीट इन योर रीडिंग। कहने का मतलब है जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जो आप, जिनका आप मीनिंग नहीं जानते हैं, ठीक। तो उनको आपको क्या करना है, आप उन्हें हाईलाइट करते जाइए, और जब आप पढ़ रहे हैं तब उनका मीनिंग मत देखिए। अगर आप उस वक्त उनका मीनिंग देखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैं एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ और एडिटोरियल में मुझे 15 ऐसे शब्द मिले जिनका मीनिंग मुझे नहीं पता है। अगर मैं उनका मीनिंग देखने लग गया उसी टाइम पर, तो मैं उस एडिटोरियल को ख़त्म ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं मोबाइल में मीनिंग देखने जाऊंगा और तब तक मैं मोबाइल में कुछ और देखने लग जाऊंगा। तो आप उस टाइम मीनिंग मत देखिए, आप उसे पढ़ लीजिए, आपके हिसाब से जो भी आप उसका मीनिंग कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं आप कॉम्प्रीहेंड कर लीजिए, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझ पाते हैं वो समझ लीजिए, जो भी समझ पा रहा है, समझ में आ रहा है। आपने उस पूरा पैराग्राफ को पढ़ लिया, अब जब आप पढ़ चुके हैं तब आप मोबाइल से या फिर डिक्शनरी से आप उसके मीनिंग को देखिए और समझिए कि अच्छा, जो आपने जो मीनिंग निकाला था क्या वही मीनिंग है या अलग है। अगर वही है इसका मतलब आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप हो रही है, और अगर नहीं है इसका मतलब आपको अभी बहुत काम करना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको करनी चाहिए। स्टेप थ्री आपका कहता है कि आप वोकैबुलरी के दौरान, आप रीडिंग के दौरान जिन शब्दों से सामने आए, जिन शब्दों से रूबरू हों, उन शब्दों को आप पढ़ें, उन शब्दों को लिखें कहीं, उन शब्दों को मीनिंग को आप याद करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होगा। और आप एक टाइम देखोगे कि आप उन्हीं शब्दों को बार बार देखो, देर आर प्लेंटी ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश, बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेजी में, लेकिन आपको एक सच बताऊं मैं, कुछ पर्टिकुलर शब्द हैं, कुछ एक लिमिटेड वोकैबुलरी है जो हर इंसान यूज़ कर रहा है। अब अगर आपको उससे थोड़ा, जैसे शशि थरूर को आपने देखा होगा कि अक्सर वो नए नए शब्दों से ट्वीट्स कर देते हैं, उन शब्दों में ट्वीट वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो शब्द कहीं ना कहीं पढ़े हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपने बगल वाले से बेहतर बनना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और तभी आप थोड़े से ज़्यादा शब्द उससे जान पाएंगे, और उससे आपकी बेहतर पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। तो पढ़िए, और पढ़ते समय जिन शब्दों को आप रूबरू हो रहे हैं, जिन शब्दों को आपको मिल रहे हैं, उन शब्दों को मीनिंग को भी समझिए कि वो क्या शब्द कह रहा है, क्या मीनिंग कहता है। तो रीडिंग इज द माइंड, रीडिंग इज टू द माइंड दैट एक्सरसाइज टू द बॉडी। यानी कि जैसे आप लोग वर्कआउट करते हैं, आप में से कुछ लोग लेजी होंगे मेरी तरह, तो जो लोग वर्कआउट करते हैं उस, आप क्यों करते हैं वर्कआउट, इसलिए करते हैं कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी भी सही रहे, आपकी मसल्स स्ट्रांग रहें। उसी तरीके से रीडिंग आपके दिमाग के लिए ज़रूरी है। मैं यहाँ पर जब रीडिंग की बात कर रहा हूँ तो इस बात को ध्यान रखिए, मैं आपके कोर्सेज वाले रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं या जीएस पढ़ रहे हैं, नहीं, मैं इन सबसे हट के एक अलग रीडिंग की बात कर रहा हूँ। तो रीडिंग आपके दिमाग के लिए वही काम करती है जो एक्सरसाइज आपके बॉडी के लिए करती है, इसलिए रीड करिए और रीड करने की आदत डालिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आपने एक अच्छी रीडिंग स्किल डेवलप कर ली, तो उसके बाद आपको किन्हीं वीडियो, किसी टीचर, किसी भी अंग्रेजी के किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप एक अच्छे रीडर हो जाते हैं। सो जस्ट बिकम एन एविड रीडर एंड एवरीथिंग विल कम इन लाइन। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश में, कोई सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिन लोगों को ये लग रहा है कि सर हम कैसे पढ़ें, हिंदी मीडियम से नहीं समझ में आता, उनके लिए भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। स्टेप फोर आपका क्या कहता है, यू मस्ट ओपन योर माइंड टू न्यू आइडियाज़। यानी कि नए आइडियाज़ के लिए अपने दिमाग को ओपन रखिए। कई लोग बड़े ही रिजिड होते हैं, बड़े ही रेजिस्टेंस होता है उनमें नई चीज़ों या नई आइडियाज़ को सीखने के लिए। जैसे इस वीडियो को भी देखने के दौरान कुछ लोग इसको डिसलाइक करके चले जाएंगे, या कुछ लोग इसको कहेंगे कि नहीं सब बकवास बता रहे थे, इससे कुछ नहीं होता। तो ये जो आपका एटीट्यूड है, ये गलत एटीट्यूड है। द मोर यू रीड द मोर थिंग्स यू विल लर्न। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ें सीखोगे, और आप अपने दिमाग को हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए ओपन रखिए। अगर आप चीज़ों को रेजिस्टेंस दिखाओगे सीखने के लिए, तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे।
ग्रोथ करने के लिए, ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक्सेप्टिंग बिहेवियर लेकर रखें कि हाँ जो आप सर बता रहे हैं मैं उसे समझूंगा, उसे सीखूंगा, उसे एक्सेप्ट करने की, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूंगा। अगर आप रेजिस्टेंस रखेंगे, अगर आप अपने आप को ही बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते रहेंगे और सोचेंगे कि नहीं सामने वाला तो कुछ खास नहीं बता रहा होगा, तो दैट विल बी ऑफ नो हेल्प। आपको याद रखना है कि आप अपने दिमाग को नए आइडियाज़ के लिए ओपन रखिए, वेदर इट कम्स फ्रॉम बुक, वेदर इट कम्स फ्रॉम वीडियोज और एनी टीचर, ठीक है। हाँ, अपना रैशनल थिंकिंग जरूर रखिए, अपना दिमाग जरूर लगाइए कि जो कह रहा है वो सही है या नहीं, लेकिन स्टिल यू कीप योर माइंड ओपन टू यू नीड टू न्यू आइडियाज, ठीक है। मतलब हमें जो सामने वाला बता रहा है उसमें हमें रीजनिंग लगानी है, रैशनैलिटी रखनी है, लेकिन फिर भी हमें नए आइडियाज के लिए भी एक्सेप्टेंस रखना होगा, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ तक बात कर चुके हैं रीड करने की, तो अब मैं आपको कुछ बुक्स को सजेस्ट कर देता हूँ कि आप कौन कौन सी किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं अगर आप रीडिंग को शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये किताब पढ़िए जरूर, द एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट ये किताब पाउलो कोहलो की है, आपको मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगी। अगर आप में से किसी को भी सजेशन चाहिए हो, कोई भी इस तरीके से किताब से रिलेटेड क्वेरी हो, तो आप मुझे 8299117042 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। आई विल गिव यू एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट, ठीक है। तो द अल्केमिस्ट पाउलो कोहलो की किताब है, आप पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। इससे आपको काफ़ी चीज़ें डेस्टिनी के बारे में पता चलेगा कि हाउ डेस्टिनी वर्क्स, और इट इज़ अ वेरी अमेजिंग बुक। मतलब आपको डिप्रेशन से रिलेटेड, अगर आप डिप्रेशन से हैं, एनजाइटी होता है, ये डिप्रेशन से आप जूझ रहे हैं, इन सारी चीज़ों से में भी आपको ये मदद करती है। और बहुत निराश हैं अगर आप, लगता है कि यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में आपकी ये किताब काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। तो काफ़ी अच्छी किताब है, सेल्फ हेल्प बुक है, एक ट्रेजर हंट है, लेकिन बहुत अच्छी किताब है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। अगर आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो ये एक अच्छी किताब है, ठीक है। और इसमें वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी, आप इससे शुरुआत कर सकते हैं, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 100-150 रुपये की कुछ किताब है। आप रॉबिन शर्मा की किताब पढ़ सकते हैं, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। रॉबिन शर्मा की सारी किताबें अच्छी हैं, आप सारी किताबें पढ़ सकते हैं, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, द 5 AM क्लब, ये सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं। दीज बुक्स विल हेल्प यू इन डेवलपिंग डेवलपिंग गुड हैबिट्स। आपके अंदर कुछ नई आदतें, अच्छी आदतें भी डेवलप करेंगी, और अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे तो वोकैबुलरी भी डेवलप करेंगी। तो ये किताब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा 1984 बाई जॉर्ज ऑरवेल, ये काफ़ी थोड़ी सी अगर वोकैबुलरी, हाई लेवल वोकैबुलरी पढ़ना चाह रहे हो तो ही आप इस पे जाइएगा, और काफ़ी बोरिंग भी लगेगी आपको, बट ये किताब अच्छी है क्योंकि इसमें वोकैबुलरी बहुत अच्छी मिलेगी, और जो वो बात कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है, डिक्टेटोरियल फिक्शन है, तो बुक इज़ इंटरेस्टिंग। बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप इसको मत खरीदिएगा, जो लोग पहले से पढ़ते आए हैं और पहले से किताबें पढ़ रहे हैं वही लोग इस किताब को खरीदें। शू डॉग बाई फिल नाइट, ये किताब पढ़ सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी, आप इसको पढ़ सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू वेरी गुड इंसाइट अबाउट पीपल्स लाइफ, और काफ़ी चीज़ें अच्छी आपकी डेवलप करेगी। इसी तरीके से ओपन, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है, ये भी एक अच्छी किताब है, और एबी डिविलियर्स की ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के शौकीन हैं। प्लेइंग इट माय वे, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, मूवी देखने के अलावा किताब भी पढ़ोगे तो उससे भी बेहतर चीज़ें पता चलेंगी। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ठीक ठाक अच्छी किताब है, महात्मा गांधी जी की है। अगर आप महात्मा गांधी के बारे में एक्चुअली में अच्छा कुछ जानना चाहते हैं, लाइक अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ जानना चाहते हैं कि कैसे वो सोचते थे, क्या उनकी थिंकिंग थी, क्या उनकी हैबिट्स थी, तो ये किताब आपकी अच्छी अच्छा हेल्प करेगी आपके दिमाग में डेवलप करने के लिए। और देखो यार, रीडिंग हमेशा बेहतर होती है बजाय सुनने के। आपने अब जिन लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस किताब की बात कर रहा हूँ, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, महात्मा गांधी की किताब है, आप लोग हमेशा सुनते आएंगे कि ये है, उन्होंने ये किया, वो किया, ये ऐसे थे, वैसे थे। देखिए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन आप अगर पढ़ोगे तो आपको जो आइडिया लगेगा ना उनकी लाइफ के बारे में, या किसी भी पर्सन की, जो भी है, चाहे एबी डिविलियर्स हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, किसी की भी ऑटोबायोग्राफी जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि इस व्यक्ति ने उस समय ये क्यों किया, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, अगर वो व्यक्ति खुद लिखता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ें। देखो, और आपने कबीर का वो दोहा सुना होगा ना कि सार सार को गही रथे थोथा दे उड़ा, जो अच्छी बात है उसे एक्सेप्ट करिए, जो नहीं सही लग रहा है उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। एनिमल फार्म, ये भी जॉर्ज ऑरवेल की ही किताब है, इसको भी आप तभी खरीदिएगा अगर आप पहले से रीडर हैं। मतलब मैं इसको जल्दी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट वोकैबुलरी वो यूज़ करते हैं।
अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये स्टीफन हॉकिंस की किताब है, ये काफ़ी मज़ेदार हो सकती है आपके लिए, ये अच्छी किताब है। अगर आप कंटेम्प्रेरी बुक्स कुछ पढ़ना चाहते हैं तो सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड अच्छी किताब है, आपको इस समय के दौरान जो भी चीज़ें चल रही इसके मतलब मॉडर्न ह्यूमन के बारे में बड़ी अच्छी किताब है ये। तो ये सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं अगर आप अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करना चाहते हैं। और अगर मैं बताऊं इनमें से अगर कोई भी किताब आपको लग रहा है कि आपके जॉनर की नहीं है, कोई बात नहीं, आपके जॉनर की बहुत सारी किताबें होंगी, और सारी कोई भी एक जॉनर उठाओ जिससे जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। आपको ऑटोबायोग्राफी में इंटरेस्ट है वो पढ़ लीजिए, किसी भी व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी, जो भी इंसान तुम्हें अच्छा लगता हो उसके बारे में पढ़ो, क्योंकि जब आप उसके बारे में पढ़ोगे तब एक्चुअली में उसके बारे में कुछ पता चलेगा। आप में से बहुत सारे लोग स्वामी विवेकानंद की का सम्मान करते होंगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ लीजिए, किसी भी की व्यक्ति के बारे में पढ़ो, किताबों की कमी नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक। और मान लो जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें नहीं समझ में आता है, अंग्रेजी नहीं समझ आती, कोई भी किताब नहीं समझ आ रही, तो आप चेतन भगत से शुरू कर सकते हो। चेतन भगत के नॉवेल्स को आप में से देखा होगा, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपके आसपास भी लोग करते होंगे, ठीक है। देखिए उनका अपना अलग एजेंडा है, वो लोग अपनी सही बात कर रहे हैं कि भाई किताब में स्टोरी बहुत अच्छी नहीं होती और कुछ खास नहीं होता, ठीक है। हमें अपनी वोकैबुलरी डेवलप करना है, हमें किताब पढ़ने की आदत डालनी है। पहले तो मुझे अपनी इस आदत को सुधारना है कि मैं किताब को 10 घंटे 1 घंटे तक देख तो सकूँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप चेतन भगत को भी पढ़ सकते हैं, वो तुम्हें एटलीस्ट किताब पढ़ने की आदत डलवा देगा। अमीश त्रिपाठी की किताब पढ़ सकते हैं, आपकी मॉर्टल्स ऑफ मेलुआ और स्टोरीज़ हैं, साइन ऑफ इक्ष्वाकु, ये सारी चीज़ें किताबें पढ़ सकते हो, बहुत सारी किताबें हैं, कोई कमी नहीं है पढ़ने के लिए। आप अपना जॉनर ढूंढिए और उसके जॉनर की किताब पढ़िए, ठीक है। अगली बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर की, कि न्यूज़पेपर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूज़पेपर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे आप जब जैसे मान लीजिए इस समय कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, तो कोरोना काल में आपको जो शब्द मिलेंगे वो सारे के सारे कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड्स होंगे, यानी कि उन शब्दों को आसपास आप देख सकते हो, जैसे क्वारंटाइन है, वैक्सीन है, इम्यूनाइजेशन है, जो भी चीज़ें हैं उन सारे शब्द आपको अखबार में तभी मिलेंगे, आप उन शब्दों को तभी जान पाओगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। इसलिए न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़िए और इंटरेस्ट नहीं आप उसमें खोओगे। जैसे किताबों में कई बार हो जाता है कि पुरानी बात है तो हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन ये आज की बात हो रही है, अभी हो रहा है, तो हमें इंटरेस्ट भी रहता है न्यूज़पेपर में। और बहुत सारे सेक्शन हैं, आपको स्पोर्ट्स पसंद है स्पोर्ट्स पढ़ लीजिए, आपको जो सेक्शन पसंद हो आप वो पढ़िए, कम से कम आप पढ़ना शुरू करिए। और न्यूज़पेपर आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल को डेवलप करता है, आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आता है, यानी अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप करता है, और रीडिंग स्किल डेवलप करता है, यानी कि आप ज़्यादा देर तक ज़्यादातर चीज़ों को पढ़ पाते हैं, ठीक है। आप में से कई लोग, अब जैसे न्यूज़पेपर की बात है तो अगला सवाल ही आता है कि हम सर पढ़ें कौन सा न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, कौन सा अखबार पढ़ें, सर हमें समझ नहीं आते, ठीक। तो देखिए अगर आप इनमें से हैं जो पूछ रहे हैं कि द हिंदू पढ़ें, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, द ये पढ़ें वो पढ़ें, तो आप सिर्फ एक्सक्यूजेस तलाश कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वीडियो देखने के बाद भी आप इसके बाद भी एक्सक्यूजेस तलाश करते रहेंगे कि नहीं भैया हमें तो नहीं समझ में आता, ये पढ़ें वो आता नहीं मेरे घर में, इसकी PDF नहीं मिली, उसका वो नहीं मिला, तो ये तो इनका कोई एंड नहीं है, दीज आर नेवर एंडिंग थिंग्स, ठीक है। तो अगर आप चूज़ करना चाहते हैं कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कोई भी अखबार पढ़िए। आपको टाइम्स ऑफ इंडिया सही लग रहा है आप वो पढ़ लो, आपको द हिंदू नहीं समझ में आ रहा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, लाइव मिंट पढ़ लो, द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लो, कोई भी अखबार आप पढ़ लीजिए, लेकिन कम से कम अखबार पढ़िए, ठीक है। हाँ, आई नेक्स्ट, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये नहीं पढ़ने, आपको अंग्रेजी अखबार पढ़ना है क्योंकि आपको अपनी वोकैबुलरी और रीडिंग स्किल अंग्रेजी की डेवलप करनी है, हिंदी की नहीं, ठीक है। तो जो भी अखबार आपको सही लगता है आप उसे पढ़िए, ठीक है। अब अगला सवाल ये आता है कि सर अखबार पढ़ें कैसे, क्योंकि समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, आपको रीड कैसे करना है न्यूज़पेपर, आप 1 घंटा इसको दीजिए न्यूज़पेपर को डेली, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा क्योंकि फिर वो आपका टाइम वेस्ट करेगा सिर्फ, ठीक। और कोई भी एक सेक्शन, तुम्हें मैंने जैसा कहा फ्रंट पेज पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो पढ़ लो, तुम्हें एडिटोरियल पढ़ना सही लगता है वो पढ़ लो, तुम्हें मूवी सही लगता है वो पढ़ लो, तुम्हें स्पोर्ट्स सही लगता है वो पढ़ लो, लेकिन कम से कम इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करो। एक एक करके तुम्हें इंटरेस्ट डेवलप होगा, जब एक बार तुम्हें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो तुम बोरिंग चीज़ें भी पढ़ने लगोगे, तो पहले तो इंटरेस्ट डेवलप करना हमें जरूरी है। फिर जो शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं उनको हाईलाइट कर लो, मैंने जैसा कहा, और 1 घंटा में कह रहा हूँ तो आप 30-40 मिनट अखबार पढ़ लो, उसके बाद में आप उन शब्दों को देख लो जो तुम्हें नहीं समझ में आए हैं उनको डिक्शनरी में। ये सारी चीज़ें मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके एग्ज़ाम थोड़ा देर से हैं,
प्लीज वो लोग ये सब ना करें जिनका एग्जाम 2 महीने में लगा हुआ है, क्योंकि वो करेंगे तो उनका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। जिनका एग्जाम जैसे सीजीएल 2020 के बच्चे हैं या जिनका देर में एग्जाम है, वो लोग ये कर सकते हैं क्योंकि उनके पास समय है, एक से दो घंटा आप न्यूज़पेपर को दे सकते हो। तो वो लोग उनमें वर्ड्स हाईलाइट करें और उनके मीनिंग्स को डिक्शनरी में देखिए। और ये काम प्लीज़ आप सिर्फ 1 महीने तक करते रहो, 1 महीने तक आप इसको मन लगा के करते रहो। आपको बोरिंग लगे, आपको नहीं अच्छा लगे, फिर भी करते रहिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं, ऐसी बहुत सारे खाने जो खाने में नहीं अच्छे लगते लेकिन आपको फ़ायदा करते हैं। तो 1 महीने तक तुम अगर ये कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें ऑटोमेटिक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा उसी अखबार को पढ़ने में, ठीक है। आपको 1 महीने में अपने अंदर डिफरेंस पता चलेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ अब आप अखबार समझ पाते हो, अब आपको पढ़ने में भी ठीक लगता है, अब उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वो सारी चीज़ें तभी आएंगी जब आप करीब 1 महीने तक लगातार इसे करोगे जो मैंने करने को आपसे कहा है। नाउ कमिंग टू द स्टेप 5 एंड दैट इज़ द यू मस्ट सेट अ गोल। आप एक सेट करिए गोल कि आप कितने दिन तक कितनी वोकैबुलरी तैयार करोगे, कितने दिन तक ये काम करोगे। आपका गोल आपका सेट है कि आपको एग्ज़ाम करना है, आपको ये करना है, तो उन सारी चीज़ों को आप सेट करिए अपने शेड्यूल में कि मुझे इस तारीख तक ये करना है। क्योंकि बिना गोल के, बिना एम के, एमलेस स्टडी जो है वो कहीं लीड नहीं करती हमें। तो आप एम रखिए, अपना एक गोल रखिए कि इस गोल तक, इस तारीख तक या इस टाइम तक मुझे इतना काम करना है, इतनी वो कैप तैयार करनी है, और वो काम आप करना शुरू करिए, ठीक है। सो आपको फ़ायदा क्या मिलेंगे इससे? आपकी देखो, इन सारी चीज़ों को करने से आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी। आपको अगर वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपको पैरा जंबल कर पाओगे, क्लोज टेस्ट कर पाओगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर पाओगे। इसके अलावा ये आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है, ठीक है। वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आपकी इंटेलेक्ट, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, इंटेलेक्ट भी डेवलप होता है, और साथ ही साथ आपको ये विजुलाइजेशन स्किल्स भी डेवलप करता है, ठीक है। सो जस्ट आफ्टर 1 month यू विल बी लाइक दिस, आफ्टर 3 months यू विल बी लाइक दिस। तो आप इस वीडियो को ध्यान से फॉलो करिए। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़्यादातर लोगों के कमेंट का जवाब दे देता हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो से जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो मैं जवाब दे दूंगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इस नंबर पर, तो आप पूछ लीजिएगा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो हमारा किस टॉपिक पर होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर वर्ड पावर मेड इजी पढ़ी नहीं है अब तक, तो भाई प्लेलिस्ट से जाके पूरी सीरीज़ देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा कि वोकैबुलरी डेवलप कैसे करना है। द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो वॉज दैट कि रीड करना शुरू करिए। अगर आप रीड नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सो रीडिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।